चलिए खबरों में बढ़ते आगे। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पास कर दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर शुरू से हम लोग पक्ष में है, लेकिन हमारी मांग है कि महिला आरक्षण में भी पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जुमला फेंक रहे हैं। ये कथन और कथनी में इनका भारी अंतर है। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए। पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का लोकतंत्र का, वहाँ ही पहुँचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, बोलने की कथन।